सबसे बढ़िया चीज है यार। हाँ मुख्य अतिथि आए हुए हैं, मैं उन्हीं से आग्रह करता हूँ, प्रभात किरण जी से, ताली के साथ इनका स्वागत कीजिए। आज हम लोगों के गाय घाट में बागमती न्यूज चैनल के माध्यम से गरीबों सुस्तों की आवाज़ को बुलंद करने के लिए जो इन्होंने चैनल खोला है, जिन्हें सहनी गांधी जी, हम लोगों के बीच उपस्थित समाजवादी नेता नंदलाल यादव जी, हम लोगों के साथी भाई महेश सहनी जी, डॉक्टर टीपी सिंह जी, दिनेश सहनी जी और आए हुए तमाम क्रांतिकारी नौजवान साथियों, निश्चित रूप से जब हम उद्घाटन के बाद जब इस परिसर में प्रवेश किए, भारत का संविधान जो है रखा हुआ देखा, उसी समय में इनका जो कॉन्सेप्ट है दिनेश सहनी जी का, वो हमको समझ में आ गया कि निश्चित रूप से जो विषय अभी रखा है इन्होंने, कि आज का समय और जो पत्रकारिता की गतिविधि है, जो चैनल प्रिंट मीडिया और इलेक्ट्रॉनिक मीडिया का अभी जो स्वरूप है, उसमें गरीबों की आवाज़, शोषितों की आवाज़ कहीं दब नहीं सके, इसके लिए इन्होंने छोटे से जगह पर भी अपनी एक ज्योति जलाई है। मैं इसके लिए इनको बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ। कि जो पहले से सामाजिक कार्यकर्ता भी रहे हैं और काम करते रहे हैं संघर्ष का, गरीबों की आवाज़ को बुलंद करने का काम करते रहे हैं। अभी नंदलाल जी बता रहे थे कि किस तरह से देश में जो है अस्थिरता का माहौल है, जहां लड़ाई भय, भूख और भ्रष्टाचार के खिलाफ होना चाहिए था, कुछ चैनल और प्रिंट मीडिया, कुछ क्या कहें, अभी ज्यादातर ऐसे लोग हैं जो इस लड़ाई को हिंदू और मुसलमान की लड़ाई, भारत और पाकिस्तान की लड़ाई पर ले जाकर के रख दिए। अभी हमारे गायघाट प्रखंड में किसी गांव में कोई भूख से मर जाए, चाहे कोई सामंती मिजाज का आदमी किसी गरीब को गोली मार दे, तो उस खबर को अखबार में उतनी प्रमुखता और चैनल में नहीं मिल पाती है जितना अगर कोई मंदिर को चला जाए उखाड़ने के लिए और कहे कि अतिक्रमण में ही मंदिर है, इसको हटाना होगा। उस खबर को जितनी प्रमुखता मिल जाती है अखबारों में, उतना यहाँ नहीं मिल पाता है। ये खबरों को प्रमुखता मिलनी चाहिए थी अखबारों में और चैनलों में, वो खबर जो है दबा दिए जाते हैं। अभी यहाँ लड़ाई खड़ा कर दीजिए कि भाई मंदिर नहीं हटेगा, तो उस लड़ाई को जो है यहाँ छपेगा तो दिल्ली में लोग पढ़ेंगे, और अगर किसी पर जुल्म होगा, अन्याय होगा और उसकी लड़ाई अगर लड़िएगा, तो यहाँ भी ठीक से नहीं छपेगा कि गायों घाट के लोग उसको पढ़ सकते। तो ऐसी परिस्थिति में इन्होंने एक ज्योति जला करके बागमती न्यूज के माध्यम से जिस ज्योति को फैलाने का काम किया है, इसके लिए मैं इनको बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ। और मैं आशा करता हूँ कि इनकी ये ज्योति को हम जैसे लोग इसको आगे बढ़ा करके और इसको मसाल बनाने का काम करें, ताकि यह पूरे बिहार में प्रज्वलित हो सके। अभी बता रहे थे सभी लोग कि चैनल सब अतिक्रमण कर रहा है, कि जो अभी लड़ाई होनी चाहिए थी भ्रष्टाचार के खिलाफ, रोजगार के लिए, आम आदमी का जो रोजगार है, आम आदमी का जो उपागम है वो कैसे बढ़े, उसके लिए लड़ाई होनी चाहिए थी।
लेकिन इसको इस लड़ाई को ये प्रिंट मीडिया और इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के लोगों ने दूसरी जगह पहुंचा दिया है। लेकिन अभी भी कुछ लोग जिंदा हैं इस देश में। हम लोग तो पोस्ट ग्रेजुएट की पढ़ाई पढ़ते थे तो पोस्ट ग्रेजुएट में हम लोगों को पढ़ाया जाता था कि गांधी जी के विचारों की व्याख्या कीजिए, गांधी जी के विचारों को बताइए, गांधी जी के विचारों की विशेषता को भी बताइए। दूसरी तरफ ये भी पढ़ाया जाता था कि गांधी जी के विचारों की आलोचनात्मक व्याख्या कीजिए कि गांधी जी के विचारों में क्या गड़बड़ी थी, उसकी आलोचनात्मक विवेचना भी करिए। ये हम लोगों को पढ़ाया जाता था। तो भारत में जो पत्रकारिता है उसकी विवेचना तो हम लोग कर चुके हैं कि भाई सत्ता का दलाल बन गया है। लेकिन दूसरी तरफ जब देखिएगा तो यहीं पर जो आज तक में पत्रकार थे, क्या नाम है उनका, पुण्य प्रसून वाजपेयी, और जी न्यूज में पत्रकार थे उनका क्या नाम था जी, उसको जी न्यूज अभी निकाल दिया है, रवीश कुमार, NDTV, ऐसे ऐसे लोग भी बचे हुए हैं इस भारत में जिन्होंने अपना जो उनका जीवन है पत्रकारिता जगत में उसका भी परवाह नहीं किया और सरकार की बातों को, सरकार किस तरह से जुलूम कर रही है, सरकार किस तरह से अन्याय कर रही है, तो लड़ाई कहाँ होनी चाहिए थी, और सरकार किस तरह से युवाओं को जो है सो दीवा स्वप्न दिखा करके और गलत दिशा में घुमा रही है, उसके चलते उन्होंने जो विवेचना की उसके चलते उनको चैनल से निकाल दिया गया। वो भी दिनेश सहनी की तरह अपना चैनल बना करके, वो फेसबुकिया अपना चैनल बना करके, और जितना जहां तक उनका विचार जा रहा है उस विचार को प्रसारित करने का काम कर रहे हैं, उन्होंने चिंता नहीं की है। इसीलिए हम ये भी नहीं कह सकते हैं कि भारत की पत्रकारिता जो है बिक गई है। भारत की पत्रकारिता जिंदा है, पुण्य प्रसून वाजपेयी और रवीश कुमार जैसे लोग जिंदा है, और हम उन्हीं की श्रेणी में भाई दिनेश सहनी को भी रखना चाहते हैं। भाई दिनेश सहनी से भी हम यही अपेक्षा करते हैं कि जहां भी जुल्म हो, जहां भी अन्याय हो, उस लड़ाई को, उसको खबर बना करके आप प्रसारित करने का काम कीजिए। निश्चित रूप से हम जैसा जो लोग है, जो समाजवादी विचारधारा का लोग है, जो आपकी विचारधारा का आदमी है, जो भारत के संविधान को बचाने वाला आदमी है, वो आपके साथ दिन और रात खड़ा रहने का काम करेगा, आपके समर्थन में रहने का काम करेगा। इन्हीं आशा और विश्वास के साथ आपके चैनल को पुनः विशेष शुभकामना देते हुए मैं अपनी बात समाप्त। बहुत बहुत धन्यवाद